हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ करने के लिए वो भी आसान तरीका से सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को हम गुणा करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, और ऊपर जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 56 बट्टा। और ये नीचे में जो 10 है वो संख्या वैसा ही रह जाएगा, ये 10 लिख देंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए 40 × 10 करेंगे यानी 40 × इसको गुना करेंगे, 40 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 400। अब प्लस कर देंगे, ये इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 जोड़ देंगे यानी हो जाएगा 460। नीचे में 40 है तो आ जाएगा 40। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम एलसीएम लेंगे, जो नीचे वाले संख्या रहेगा इसको और इसको हम एलसीएम लेंगे। तो एक साइड में हम इसको एलसीएम ले लेंगे 10 और 40 को एलसीएम ले लेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 20। और फिर लग जाएगा कितना से, 2 से ही लगेगा नहीं, लग जाएगा 5 से, 5 से लगा देंगे तो 5 × 5 = 20। अब ये सब को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, इसको लिखेंगे एल सी एम यानी 2 × 5 × 4। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, 5 × 2 = 10 और 10 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 40। इसका एल सी एम हो जाएगा हमको 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 40 में भाग देंगे, तो 10 यहाँ पर लिख लिए, ये 10 यहाँ लिख लिए और ये 40 को हम इस जगह लिख देंगे, उसके बाद भाग देंगे। अब 10 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 × 10 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 10 × 4 = 40 यानी 4 बार में आता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, उसके बाद 40 लिख देंगे, उसके बाद इसको हम कर देंगे। अब देखिए ये 4 है, ये ऊपर की संख्या को हम गुना कर देंगे, देखिए ये 56 है, 56 को हम 4 से गुना करेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो 6 × 24, 24 × 4 बाकी 2, 5 × 20 2 = 22 यानी 224 चलाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 224। ये प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख देंगे। और ये 40 को हम 40 से भाग देंगे, तो देखिए 40 को हम 40 से भाग देंगे तो हमको एक बार में आएगा, तो 40 कैंसिल हो गया। अब ये एक को हम 460 में गुना करेंगे, 460 में एक से गुना करेंगे तो हमको 460 चलाएगा, और जो संख्या आएगा उसको हम ऊपर में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को देखिए, इसको जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए 460 और प्लस 224 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0, ये 8, ये 6 यानी 680 चलाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 680/40, यही आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।